मैं हूँ मिकी माउस। ये रही प्लूटो की कटोरी, उसकी रस्सी और उसके पसंद की बिस्किट का बड़ा सा थैला। उसे ये तभी देना जब वो तुम्हारी बात सुने। इतने ज्यादा नहीं मिनी, इतना खाएगा तो मोटा हो जाएगा। अगर आप मेरी ही तरह और भी वॉइस आर्टिस्ट को लाइव परफॉर्म करते हुए देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही ये जो बेल आइकन है इसे जरूर दबाएं ताकि जब भी कोई नया वीडियो आए ये आप तक बहुत जल्दी पहुंच जाए। वेल हेलो, मेरा नाम है योगी और हमारी मुलाकात बार बार होगी। वैसे अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि राजेश शुक्ला जी मिकी माउस की फोर्थ वॉइस है। जी हाँ, थर्ड वॉइस थे कुंफू पांडा की आवाज मिस्टर प्रसाद बर्वे, सेकंड वॉइस थे धोनी की ऑफिशियल वॉइस से पहचाने जाने वाले मिस्टर विराज आधव। गेस कीजिए और कमेंट में लिखिए कि मिकी माउस की फर्स्ट वॉइस कौन थे, और जवाब जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। वैसे राजेश शुक्ला जी डीसी के बेहतरीन सुपर हीरो फ्लैश की भी आवाज थे। अच्छा तो सुनो, बात यह है कि अब मुझे कीड़ों से डर लगता है और गन से और भयानक लंबे लोग जो मर्डर करते हैं, मैं यहाँ नहीं रुक सकता। अगर आपने द सीक्रेट लाइफ ऑफ पेट्स मूवी देखी है तो उसमें एक बड़े ही क्यूट से दिखने वाले पर दिमाग से शातिर इस बनी को फर्स्ट पार्ट में राजेश शुक्ला जी ने ही अपनी आवाज दी है। पासवर्ड, इधर आ, मैं हूँ तुम्हारा लीडर, और लीडर पासवर्ड नहीं बोलता, लीडर तो पासवर्ड बनाता है बेवकूफ। मैं तुम्हें अभी नया पासवर्ड बताता हूँ। नया पासवर्ड है, अपने लीडर से कभी भी पासवर्ड मत पूछो। पोकेमोन एक बहुत ही फेमस एनिमे है जिसमें जेम्स के कैरेक्टर को इन्होंने ही अपनी आवाज दी थी। हमने पिकाचू को पकड़ने की बहुत कोशिश की लेकिन नाकामयाब हुए, उसके बाद हमने ये मशीन बनाई। पेश है हमारी नई मशीन जिसे हम कहते हैं, इससे जो टकराएगा वो खुद टूट फूट जाएगा। हिस्ट्री चैनल पर एक बहुत ही बढ़िया शो आता था पॉन स्टार, PAWN पॉन स्टार, जिसमें चमली को भी राजेश जी ने ही डब किया था। मैं अपने घर पर हूँ, प्लम्बर का इंतजार कर रहा हूँ, जब तक वो नहीं आ जाता मैं शॉप में ऑनलाइन ही काम करूंगा। मैं इस तरह से आईपैड पे काम करूंगा, अगर ये आइडिया काम करता है तो हम जरूरत पड़ने पर इसे यूज कर सकते हैं। डिस्कवरी किड्स चैनल के कार्टून शो बिल्लू भाई के लिए भी राजेश जी ने ही अपनी आवाज दी है। ओके, अब अपने प्लान के हिसाब से हम कलरफुल फ्लावर्स लगाएंगे, यहाँ 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 और यहाँ, और हम गार्डन में पत्थर भी लगाएंगे क्योंकि बटरफ्लाइज को उन पर बैठकर धूप सेकना पसंद है। हैरी पॉटर फिल्म सीरीज का प्रीक्वल कही जाने वाली फिल्म सीरीज फैंटास्टिक बीस्ट्स के अभी तक के दोनों पार्ट्स में मेन लीड न्यूट्स कमांडर को भी राजेश जी ने ही डब किया है। ये चाइनीज जीव हैं जो जबरदस्त रफ्तार के मालिक और दमदार होते हैं और एक दिन में 1000 मील का सफर तय कर सकते हैं, और ये वाली एक छलांग में तुम्हें पेरिस के एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचा सकती है। हिंदी डब टर्किश ड्रामा द गर्ल नेम फेरिहा में लीड मेल कैरेक्टर एमिर पर इनकी आवाज परफेक्टली सूट हो जाती है। मेरी मॉम और जान के डैड यहाँ पर नहीं है, मतलब जान मेरी माँ का बेटा है जो उन्हें दूसरी शादी के बाद हुआ है, दोनों अमेरिका गए हैं लंबे बिजनेस ट्रिप पर। टेड मूवी के दोनों पार्ट्स में राजेश जी ने हीरो को अपनी आवाज से नवाजा है। अब क्या मुझे बस अपने हाथ से करना पड़ेगा या फिर मुझे कुछ लूब या फिर कुछ वीडियो मिल सकता है? मुझे एशियन टीन्स बहुत पसंद है। ऑलराइट, थैंक्स। देखो मुझे पक्का पता नहीं है कि ये ईंट है या फिर कुछ और, बस इतना पता है कि जो भी है इतने सारे हैं कि खत्म होने का नाम है। हे, कौन है जो बार-बार छोड़ रहा है? अब बात करते हैं मिकी माउस के फर्स्ट वॉइस की, तो ही इज नन अदर देन बॉलीवुड एक्टर मिस्टर जावेद जाफरी जी। डबिंग से रिलेटेड और भी जानकारी के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम आईडी talent_tadka पर। मिलते हैं अगली वीडियो में।